क्या आपको पता है टाटा कंपनी अपने देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बराबर होम लोन प्रोवाइड करा रही है। और सबसे खास बात तो यह है कि कई बैंक ऐसे हैं जिनके मुकाबले टाटा कैपिटल कम रेट्स पर होम लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल होम लोन क्या है, इसे कैसे लें। इस वीडियो में हमने टाटा कैपिटल के होम लोन को SBI के अलावा अन्य बैंकों से कंपैरिजन किया है। वीडियो में आप जानोगे कि यदि आप 75 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हो तो मंथली कितने रुपए देने पड़ेंगे और उसका ब्याज कितना आएगा, यानी कि EMI कितने भरने पड़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रतन टाटा के टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल देश के सबसे बड़े बैंकों के बराबर और कई बैंकों के मुकाबले कम ब्याज पर होम लोन प्रोवाइड करा रही है। खास बात तो यह है कि हाल ही में SBI ने फेस्टिवल ऑफर शुरू कर दिया है, जिसमें बैंक सभी लोगों को 6.7% पर होम लोन प्रोवाइड करा रही है और इतनी ही दरों पर टाटा कैपिटल भी होम लोन दे रहा है। अब होम लोन की दरें कम होने से मंथली EMI पर भी असर पड़ता है। अगर EMI कम हो जाए तो आम लोगों की जेब पर कम असर पड़ेगा। तो आइए आपको भी बताते हैं कि टाटा कैपिटल कितने रेट्स पर होम लोन प्रोवाइड करा रहा है। हाल ही में टाटा कैपिटल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसका कारण है होम लोन के ब्याज दरें। और आपको यकीन नहीं होगा कि टाटा कैपिटल अपनी होम लोन की रेट्स को 6.7% रखा है। और खास बात तो यह है कि यह ब्याज दरें सबसे बड़े बैंक SBI के ही बराबर है। SBI ने हाल ही में अपने ब्याज दरों को कम किया है और कहा है कि जो भी 75 लाख तक का होम लोन लेगा उसे 6.7% के दरों से ही होम लोन मिलेगा, जबकि SBI का स्कीम कभी 7.15% वाला था। अब जान लेते हैं कि 75 लाख के होम लोन पर 20 साल में कितनी EMI चुकानी होगी। यह बात तो है कि EMI पर सभी की नजरें रहती है, हर कोई चाहता है कि उसकी EMI कम से कम हो। ऐसे में अगर 75 लाख का होम लोन टाटा कैपिटल से लेते हो तो 6.7% के ब्याज दर से 56,805 रुपए के हिसाब से EMI पे करने होंगे। ऐसी ही कुछ मंथली EMI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की भी देखने को मिलेगी। लेकिन टाटा के होम लोन का फायदा यह है कि आपको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, जबकि SBI के लिए आपको महीनों बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। टाटा ने अपना होम लोन हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाया है, इसलिए कम डॉक्यूमेंट्स देकर भी आप इसे ले सकते हो। खैर, यदि आप टाटा के होम लोन के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहते हो तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें इत्यादि तो कमेंट करके बता देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो होम लोन के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द इकट्ठे करने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ बैंकों में जाकर होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। SBI और टाटा के अलावा भी कुछ बैंक्स आपको कम दरों में होम लोन प्रोवाइड करा रही है, तो चलिए उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। लेकिन हाँ, उनका यह फेस्टिवल ऑफर ही है जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन लोन अप्लाई करने के लिए फिलहाल आपको अच्छा खासा समय तो मिल रहा है ना। तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको 6.5% के दर पर होम लोन प्रोवाइड करा रही है और यह फेस्टिवल ऑफर है जो 8 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इस बैंक में आपको 75 लाख के होम लोन पर 55,918 रुपए EMI भुगतान करने होते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के होम लोन की ब्याज दरों में 6.65% का आपको पे रेट देना पड़ेगा। वहीं 75 लाख के लोन पर आपको 20 ईयर तक मंथली EMI 56,582 रुपए देने होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% के दर पर आपको होम लोन प्रोवाइड करा रही है। यहां आपको 75 लाख के लोन पर अप्रोक्स 57,000 की EMI देनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर बजाज फिनसर्व 6.8% के दर पर होम लोन प्रोवाइड करा रहा है। यदि आप यहां पर भी 75 लाख के होम लोन ले रहे हैं तो इसके लिए 57,250 रुपए के EMI पेड करने होंगे। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि SBI और टाटा होम लोन को छोड़कर इन सभी बैंक में केवल कुछ ही दिनों के लिए ऑफर मिल रहा है। तो अब आप अपने तरीके से देख लो कि किस बैंक में आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और बात रही अगर किसी स्पेसिफिक बैंक से होम लोन लेने की तो आप हमें कमेंट में बता दो, तो हम उसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर आपसे शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।